आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ यूपी और बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस कलौंजी बनाने की रेसिपी। इसमें ख़ास तौर पे तीन तरह की सब्ज़ियाँ यूज़ की जाती हैं, जैसे कि बैंगन, आलू, करेली, और इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो भिंडी, परवल, टिंडली और भी बहुत तरह की सब्ज़ियाँ इस कलौंजी को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो चलिए पूरी रेसिपी ध्यान से देखते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि सरसों, सौंफ, धनिया, मेथी, अजवाइन और जीरा। इनको ब्लेंडर में डालकर दरदरा पीस लेना है। आप चाहे तो इनको हल्का भून सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने भुना नहीं है, दरदरा टेक्सचर चाहिए। तो ऐसे भी इसे पीसेंगे तो एकदम परफेक्ट मसाला तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, प्याज, लहसुन और अदरक ले लिया है, और फिर इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डालकर पीस लेना है। पानी न डालें इसमें, इसे ऐसे ही पीसेंगे प्याज के अपने पानी से, ये पूरा पेस्ट एकदम तैयार हो जाएगा। पानी डाल देने से मसाला एकदम पतला सा हो जाएगा, और फिर इनको जब हम सब्जियों में भरेंगे तो पकाते समय मसाला जो है सब्जी में से बहने लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं डाल दूंगी कुछ और सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पर मैंने कलौंजी के बीज और सौंफ थोड़े से साबुत ही डाले हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, नमक भी डाल दिया है। तो अब यहाँ पर बाकी की सब्जियों को मैंने धोकर बीच में से चीरा लगा लिया है, ख़ास तौर पर करेली जो है उसके बीच में से जो बीज वाला हिस्सा है उसे भी मैंने निकाल लिया है, जिससे कि अंदर एक कैविटी बन गई है, तो मसाला जब भरेंगे तो बाहर निकलेंगे नहीं। तो ये देखें, यहाँ पर अब मैं बैंगन को इस तरीके से बीच में से चीरा लगा लूँगी, और फिर मसाले को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर बैंगन में भरूँगी। बहुत ज़्यादा थोड़ा भी नहीं भरना है, इतनी अच्छी क्वांटिटी रहे जिससे कि बाद में जब ये कलौंजी बन के तैयार हो तो मसाले का भी फ्लेवर बैंगन में बराबर से आए, तभी ये जो कलौंजी बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यूपी और बिहार के खाने में आपको बहुत ज़्यादा रेडिश कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करने का जो चलन है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मसाला मैंने भर लिया, बिल्कुल इसी तरीके से सारे बैंगन में मसाले को भर कर तैयार कर लूँगी, और इसी तरीके से आलू में भी। तो आलू को कैसे कट करना है कि एक आलू लिया तो उसमें 2 चीरे लगाने हैं, यानी आलू को 3 हिस्सों में कट कर लेना है, और जो कैविटी बन के तैयार होगी तो यहाँ पर 2 कैविटी बन के तैयार हो जाएगी, उसमें मसाले को मैं भर कर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा सूखे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर भी नहीं है, तो जब मसाला ऐसे बन के तैयार होगा तो सब्ज़ी में इसे पकाने के बाद भी ये मसाला ठहरता है और अपना पूरा फ्लेवर सब्ज़ी में देगा। ध्यान रखें कि जब सब्जियों को इस तरीके से भरकर बनाना हो तो मसाले में थोड़ी सी नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि इसी नमक से सब्ज़ी भी पकती है, और बाद में मसाले में से जो नमक रिलीज़ होगा उससे ये मसाला थोड़ा फीका हो जाएगा और सब्ज़ी में अपना फ्लेवर देगा, इसलिए नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी होती है। यहाँ पर करेले को भी मैंने जैसे बताया था बीज वाला जो हिस्सा है उसे निकाल लिया है, और फिर ये जो मसाला है बीच में इसके भर के तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से मसाला जो है करेले में से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और अपना पूरा फ्लेवर करेली में देगा। करेले का जब भरवा बनाते हैं या कलौंजी बनाते हैं तो उसमें खटाई की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि करेली जो है थोड़ी कड़वी होती है, तो खटाई से उसका जो कड़वापन है वो बैलेंस होगा और नमक से भी प्रॉपर फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से करेली को भर लेना है, और आखिर में ये देखिए आलू को भी मैंने जैसे बताया था कि बीच में से ये देखिए पतले स्लाइसेस में कट करना है, पूरी तरह कट नहीं करना है, नीचे से करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर के जितना जुड़ा रहे बस उतना ही कट करना है। और फिर ये देखिए 2 कैविटी बन के तैयार हो गई है, तो उसमें इन मसालों को भर लेना है अच्छे से। चलिए अब कलौंजी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में मैं डाल दूंगी तेल। तो करीब 1/3 कप के बराबर तेल यहाँ डाल रही हूँ, तो तेल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बस उतना ही तेल यूज़ करना है जिसमें ये सब्ज़ी एकदम अच्छे से बन के तैयार हो जाए और अच्छे से पक जाए। और फिर यहाँ पर एक एक करके सब्जियों को डालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बैंगन को डाला है, तो यहाँ पर
बैगन, ये देखिए बैगन जितने पतले लेंगे उतने ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये कलौंजी बनके तैयार होते हैं। ये थोड़े ऑनलाइन मंगाए हुए बैगन हैं इसीलिए उतनी अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नरम थे बैगन इसीलिए कलौंजी में कोई कमी नहीं थी, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ियों पर थोड़ा सा नमक मैं ऊपर से भी छिड़क लूँगी जिससे कि सब्ज़ियाँ जो है एकदम अच्छे से पकेंगी। ख़ास तौर पर आलू, यहाँ पर आलू पकने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि एक सिरे से जैसे मैंने बताया 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक जुड़ा हुआ है और प्लस जो बीच वाला स्लाइस है उसमें भी आँच ठीक से नहीं पहुँचती है तो थोड़ा सा पकने में वक्त लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर करीब 10 मिनट तक मैंने इसे ढककर पकाया है और 10 मिनट बाद ये देखिए थोड़ा सा इसे पलट कर हर तरफ से पका लूँगी। तो कलौंजी को पकने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है लेकिन जब ये बनके तैयार होती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर फ़िलहाल मैंने इसमें करेली नहीं डाली क्योंकि करेली का जो फ्लेवर है वो थोड़ा कड़वा होता है, तो अपना कड़वापन बाकी की सब्जियों में मिक्स ना करें इसलिए पहले बैंगन और आलू को मैं पका लूँगी और उसके बाद इसमें मैं करेली डालूँगी और फिर करेली को भी ऐसे ही हर तरफ से अच्छा सुनहरा भूरा कलर आने तक पका लेना है। ये जो कलौंजी है इसे आप सफ़र में भी बना कर दे सकते हैं काफ़ी लंबे दिनों तक, यानी ये कलौंजी जो है करीब 3 से 4 दिन तक आराम से ठहर जाती है, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है। इनको ट्रैवल में ले जाया जा सकता है, पूरी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों को आलू की कलौंजी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आलू को भी ये देखिए पलट पलट कर हर तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और धीमी आँच पर ही सब्जियों को पकाएं तभी एकदम अच्छे से पकेंगे। जैसे जैसे जो जो सब्जियां पकती जाएँ सॉफ्ट होती जाएँ उनको आप निकाल लें, जैसे कि यहाँ पर बैगन हो गया है तो उसे मैंने निकाल लिया है। बैगन के बाद ये देखिए आलू है, इसे भी एकदम अच्छे से मैं पका लूँगी। आलू को भी कढ़ाई में से निकाल लेना है। तो यहाँ पर आलू और बैगन निकाल लेने के बाद कढ़ाई में फिर से मैं तेल डाल दूँगी। अगर कोई मसाले यहाँ पर जले हुए होंगे तो उन्हें निकाल लेना है, नहीं तो फिर आगे ये और जल कर करेले की जो कलौंजी है उसे ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में से ये देखिए आलू जो हो गए हैं इनको भी मैं निकाल लूँगी और फिर थोड़ा सा तेल डालकर बिल्कुल इसी तरीके से करेले के कलौंजी को भी पकाना है। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूँगी जिससे कि ऊपर से भी एकदम बराबर से फ्लेवर आएगा और फीकी नहीं लगेगी कोई भी कलौंजी, तो ऊपर से नमक ज़रूर छिड़के थोड़ा सा। तो यहाँ पर इस सब्ज़ी को एज अ साइड डिश आप बनाकर रख सकते हैं और इसे 3-4 दिन तक आराम से खाया जा सकता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। टिफ़िन में इसे दिया जा सकता है, ट्रैवल में आप इसे लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये कलौंजी बनके तैयार होती है और जैसे कि मैंने कहा था सिर्फ आलू बैंगन करेली नहीं, यहाँ पर इसमें आप डाल सकते हैं भिंडी परवल टिंडली और भी बहुत सारी तरह की सब्ज़ियाँ। इस मसाले को आप कलौंजी ही नहीं वेजिटेबल फ्राई यानी सब्ज़ी फ्राई जो शादियों में आपने देखा होगा तवा फ्राई जिसे कहते हैं उसे भी बनाने में यूज़ किया जा सकता है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी ये बनकर तैयार होती है। तो आप एक बार इस तरीके से कलौंजी ज़रूर बनाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे सिंपल दाल राइस के साथ भी सर्व करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आप इस कलौंजी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट करिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।